दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NBTO यानी नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियड एग्जामिनेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियड एग्जामिनेशन के बारे में सारी चीजें डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, कट ऑफ कितना जाता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से हैं, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको अभी तक इस एग्जामिनेशन के बारे में पता नहीं था, इस एग्जामिनेशन के बारे में आपको कोई भी डाउट रह गया हो या फिर अभी तक आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे होंगे, उन सभी चीजों के जवाब आपको वीडियो के एंड तक जरूर मिल जाएंगे यार। तो वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है, वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना जरूरी है कि आखिर ये नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियड एग्जामिनेशन होता क्या है। तो यार, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियड एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियड एग्जामिनेशन है। दो लेवल में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। लेवल वन आपका नेशनल लेवल पर होता है, लेवल टू आपका इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो आप इस एग्जामिनेशन को नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल का एग्जामिनेशन एज्यूम कर सकते हो। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को यार एजुहिल फाउंडेशन कंडक्ट करवाती है। अब एजुहिल फाउंडेशन एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर के डिफरेंट एग्जामिनेशन से कंडक्ट करवाती है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, इसके बारे में आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। कई सारे बच्चे एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते यार, ओलंपियड एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं। तो फिर से मैं एक चीज को रिपीट कर देता हूं यार, कई सारे वीडियोस में मैंने इस चीज को बताया है। ओलंपियड एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप खुद को जज कर सकते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जामिनेशन में आप अपने बायोटेक्नोलॉजी को, बायोलॉजी के सब्जेक्ट को खुद से जज कर सकते हो, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। जब आप इस तरीके के ओलंपियड एग्जामिनेशन में उतरते हो, आपको पता चलता है कि OMR को किस तरीके से फेस करते हैं, एग्जामिनेशन में लाखों बच्चों के साथ कॉम्पीट करने का क्या मतलब होता है। इन सभी चीजों को फेस करने के लिए डिफरेंट ओलंपियड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक एक करके सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास के ऊपर। इस एग्जामिनेशन को क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का ही स्टूडेंट दे सकता है। कॉलेज स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं कर सकते। कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया कॉलेज एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में हम लोग डिफरेंट वीडियोस में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इस एग्जामिनेशन को सिर्फ क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट ही दे सकते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, क्लास 1 से क्लास 12 तक के बीच में हो, इस एग्जामिनेशन में आसानी से अपीयर कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस एग्जामिनेशन के लिए आपको किसी रिनाउंड बोर्ड को बिलोंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप CBSE बोर्ड को बिलोंग करते हो, ICSE बोर्ड को बिलोंग करते हो, स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो, तो आप काफी आसानी से इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो, लेकिन एक रिनाउंड बोर्ड को बिलोंग करना जरूरी है। थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं खुद से मेंशन करना चाहता हूं यार, तो इस चीज को ध्यान में रखना यार। थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस एग्जामिनेशन को अगर आपका स्कूल कंडक्ट करवाता है तभी आप अपीयर कर सकते हो। वीडियो की शुरुआत से ही मैं इस चीज को मेंशन करना चाहूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। अगर आपका स्कूल इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है तभी जाकर के आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो। तो भैया क्या हमारा स्कूल अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाता है, हम लोग अपीयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते? देखो यार, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में इस एग्जामिनेशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे, अगर बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाहते हैं, तो एजुअल फाउंडेशन का फॉर्म आता है जहां से स्कूल खुद को रजिस्टर कर सकता है। आप अपने स्कूल के एग्जामिनेशन इंचार्ज को जाकर के कह सकते हो कि हमारे स्कूल को रजिस्टर कर दो, ताकि कई सारे स्टूडेंट इसमें अपीयर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी ही नहीं यार, कई सारे एग्जामिनेशन में आप आसानी से अपीयर कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले स्कूल का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सबसे पहले स्कूल रजिस्टर होता है, स्कूल के थ्रू ही स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम लोग इस एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। आखिर एक स्टूडेंट किस तरीके से इस एग्जामिनेशन में रजिस्टर कर सकता है, एग्जामिनेशन फीस क्या होती है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस एग्जामिनेशन के लिए आप अपने स्कूल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता यार, आपको यहाँ पर अपने स्कूल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर आपका 150 रुपीज़ है, यानी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अपेयर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जामिनेशन में अपेयर करने के लिए आपको 150 रुपीज़ देना पड़ेगा। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपका स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाता है, आप अपेयर नहीं कर सकते। इसका सबसे सिंपल और आसान तरीका यही है कि आपको अपने स्कूल के एग्जामिनेशन इंचार्ज को इसके बारे में बताना पड़ेगा। आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कई सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, और सबसे पहले आपका स्कूल का रजिस्टर होना जरूरी है। स्कूल अगर रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद कई सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक के स्टूडेंट्स आते हैं, दूसरे कैटेगरी में क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स आते हैं। कुल मिलाकर के दो तरीके से हम लोग एग्जाम पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट
कैटेगरी यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक के स्टूडेंट्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को तीन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका जनरल आईक्यू का होता है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो यहाँ पर ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सेक्शन होता है यार। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन आपका यहाँ पर इंटरएक्टिव सेक्शन होता है यार। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो कुल मिलाकर के फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 40 मार्क्स का बनता है। अगर हम लोग टोटल टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 40 मिनट्स मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट्स मिलने वाले हैं। अब हम लोग क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को तीन सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका जनरल आईक्यू क्या होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सेक्शन होता है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन यहाँ पर आपका इंटरएक्टिव सेक्शन होता है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो कुल मिलाकर के ये सेक्शन आपका 20 मार्क्स का बनता है। अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का बनता है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं। सो होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा यार। एग्जाम पैटर्न को समझ में आना काफी ज्यादा जरूरी है। एग्जाम पैटर्न के ऊपर ही हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग सिलेबस के बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। अब जैसे कि हम लोग एग्जाम पैटर्न को देख करके समझ ही चुके हैं कि हर एक क्लास का इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर होता है। हर एक क्लास का डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इसीलिए हर एक क्लास का सिलेबस भी कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है। अब हर एक क्लास का सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यार। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंडिविजुअल क्लास के सिलेबस आसानी से मिल जाएगा। काफी आसानी से जाकर वहाँ पर आप सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हो। अभी आप स्क्रीन पर उस पीडीएफ को देख सकते हो। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी सिलेबस को पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। सिलेबस को समझ में आना काफी ज्यादा जरूरी है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों के बिना हम लोग एग्जामिनेशन के स्ट्रेटजी के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं कर सकते। अब हम लोग एग्जामिनेशन के स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कहां से प्रिपरेशन करना है, कौन से किताबें आपको फॉलो करनी चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आपने सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाम से ही पता चलता है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियड एग्जामिनेशन। यहां पर आपके ज्यादातर कह सकते हैं हम लोग 90% क्वेश्चन यहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको यहां पर टॉपिक्स गिवन है, कौन से क्लास के कौन से टॉपिक्स हैं, उन सभी चीजों को ही आपको फॉलो करना है। एक बार अगर आपने अपने सारे के सारे सिलेबस को नोट डाउन कर लिया, उसी के बाद आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक को जाकर के अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। बेसिक रीडिंग आपके अपने टेक्स्ट बुक से ही होनी जरूरी है। टेक्स्ट बुक रीडिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि वो आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी जाकर के आप एडवांस लेवल पर जा सकते हो। सबसे पहले आपको अपने स्कूल के साइंस के किताब से जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उन सभी चीजों को कवर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार आपका सैंपल पेपर। सैंपल पेपर को सॉल्व करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे काफी सारे मटेरियल्स दे रखे हैं, उन सभी चीजों को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इंडिविजुअल क्लास के मटेरियल्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उन सभी चीजों को जाकर के भी आप पढ़ सकते हो। इंडिविजुअल पीडीएफ को डाउनलोड करो, वहां पर आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, सैंपल पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। उन सभी चीजों को कवर करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप सैंपल पेपर को सॉल्व करते हो आपको पता चलेगा कि यार एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल कैसी है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसी है। इन सभी चीजों को समझने के लिए सैंपल पेपर को सॉल्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों के दोनों स्टेप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों स्टेप्स को लेकर के आप 90% तक अपनी प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हो। बाकी के 10% प्रिपरेशन के लिए अगर आप कुछ ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो आप किसी भी मटेरियल को सॉल्व कर सकते हो। आप किसी भी ओलंपिक लेवल के मटेरियल को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो आपका पियर्सन की किताबें हो जाए, एमटीजी के वर्कबुक हो जाए, उन सभी चीजों को भी आप सॉल्व कर सकते हो। एनएसओ एग्जामिनेशन के एमटीजी के वर्कबुक को पर्टिकुलर चैप्टर से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एनएसओ एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हो तो आप काफी आसानी से वहां से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा सिमिलर है। एनएसओ की
डिफिकल्टी लेवल और आपके बायोटेक्नोलॉजी ओलंपिक एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल आप लगभग एज्यूम कर सकते हो कि बराबर ही होने वाली है। तो इन दोनों की तैयारी आप साइमल्टेनियस भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन एनएसओ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो ज्यादातर बच्चों के मन में अभी भी आ रहा होगा कि भैया अगर हमारा स्कूल इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करवाता है, क्या इसके लिए कोई अल्टरनेटिव है? अगर आपका स्कूल ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, वेल एंड गुड, आपको ये एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए यार, क्योंकि डिफरेंट ओलंपिक एग्जामिनेशन जब आप बैठते हो आपको पता चल रहा है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन अगर आपका स्कूल ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाता है तो आपके अल्टरनेटिवली कई सारे एग्जामिनेशन हैं। बायोटेक्नोलॉजी ओलंपिक सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन किया गया है, लेकिन अगर आप पूरे के पूरे साइंस को देना चाहते हो, पूरे के पूरे साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में एग्जामिनेशन देना चाहते हो, कई सारे दूसरे एग्जामिनेशन आप दे सकते हो, जैसे कि आपका एनएससीपी होता है, एनएससीसी होता है, एनएसईबी होता है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी, जो आपका गवर्नमेंट ओलंपिक एग्जामिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का ओलंपिक एग्जामिनेशन है, उसको चाहो तो आप दे सकते हो यार। लेकिन ये एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ही है। दूसरे स्टूडेंट्स यार एनएसओ के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। एनएसओ का स्टैंडर्ड भी लगभग आप इसी के बराबर रेज्यूम कर सकते हो। एनएसओ का स्टैंडर्ड भी काफी ज्यादा सिमिलर होता है, आपको एनएसओ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। एनएसओ लगभग हर एक स्कूल में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। आप काफी आसानी से यार बायोटेक्नोलॉजी ओलंपिक एग्जामिनेशन के अल्टरनेटिव में नेशनल साइंस ओलंपिक, जो आपका साइंस ओलंपिक फाउंडेशन एसओएफ कंडक्ट करवाता है, उस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ओलंपिक एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में सारी चीजें कवर कर लिया। होपफुली आपके सारे के सारे डाउट जरूर क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट रह गया हो या फिर आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार, हम उन सभी चीजों के बारे में जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग डिफरेंट एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एजुहिल फाउंडेशन बायोटेक्नोलॉजी ओलंपिक एग्जामिनेशन के अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, जिनके बारे में आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो तब नहीं, गुड डे एंड बाय।